Janab, Janab, welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. Thank you so much, as always, for the amazing feedback. आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इतना फीडबैक देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. जब मुस्कुराते रहिए. मैं एक जगह पे आज ये सुन रहा था कि आप अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कीजिए फाइट करने की बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से. और इम्यूनिटी पैदा करने का बेस्ट तरीका पता क्या है? आप मुस्कुराइए, आप हंसिए, खेलिए, इंजॉय कीजिए. अगर आप डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप यकीन कीजिए, स्ट्रेस आउट होने से आपको 10 बीमारियां और लगती हैं, आपकी इम्यूनिटी लो होती है, रेजिस्टेंस कम होती. तो लिहाजा म्यूजिक सुनिए, प्यार कीजिए, फनी वीडियोस देखिए, हमारा शो देख के एंटरटेन होइए और स्ट्रेस फ्री हो जाए. जनाब, आज भी हमारे पास एक जबरदस्त कपल मौजूद है, बहुत प्यारे लोग हैं. आप उनका बहुत काम देख चुके हैं, देखते रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और नए अंदाज में ये पता चलेगा कि अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों कैसे जिंदगी गुजारते हैं. ब्रेक के बाद मिलेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और आज मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आए हैं आज, और वो बड़े प्यारे लोग हैं. वो आपके बहुत अच्छे दोस्त मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि फैंस आप उनके हैं, फॉलोअर्स भी हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, उनका काम देखते हैं और काफी अरसे से उनको देख रहे हैं. दोनों ब्यूटीफुल कपल तो बनते ही हैं, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअली इनकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी भी है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं. दोनों मियाँ भी ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं. क्योंकि इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने अपने कामों में तो अच्छे हैं ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी दे आर ब्यूटिफुल ह्यूमन्स, दे आर लवली पीपल, दे आर अमेजिंग 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 कपल. प्लीज वेलकम फहद एंड सरवत. How are we? Hello. Hey. बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए. लॉन्ग टाइम यार, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है. बस आपके पास टाइम ही नहीं होता ऐसा. मेरे पास अच्छा, करिए तो सब. Very well. All good. करिए तो. Very good. Looking good, both of you. Thank you. हमने बड़ी दो दिन से तैयारी की आपके शो पे आने के लिए. वाह यार सरवर, आपने भी बड़ा खूबसूरत सूट है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. मुझे लगा कि आज दोनों जबरदस्त हीरो हीरोइन आ रहे हैं सेट पे, तो मैं भी जरा कुछ तैयार ही हो जाऊं, वरना तो मैं ऐसे उठ के आ जाता हूँ घर से जाते रहे. अच्छा, बहरहाल यू लुकिंग वेरी नाइस. मुझे ये बताओ कि दोनों इंडिविजुअली बात करते हैं, स्कूल में स्कूल फेलोज और बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ऑलमोस्ट बचपन से तो नहीं, लेकिन चलो उसके थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद एक लंबी जुदाई हुई, फिर उसके बाद दोबारा से मिल गए. तो ये क्या स्टोरी है, कौन सुनाएगा सच्ची वाली? मुझे लगता है फहद सच ज्यादा बोले. नहीं, सरवत ही बोलेगी सच. सरवत सुनाएगी. Why don't you सरवत, come on. देखिए, जब ऊपर वाला कहानी लिखता है तो उससे बेहतर राइटर कौन हो सकता है. बिल्कुल सही है ना. और जब डायरेक्शन इनकी अम्मी दे तो उससे बेहतर डायरेक्टर कौन हो सकता है. अच्छा, ये क्या है इसका? मेरी अम्मी जो थी ना, वो दूर करने वाली भी अम्मी थी और मिलाने वाली भी अम्मी थी. वाह, क्या ट्विस्ट, क्या कहानी है ना हमारी. यार आंटी का तो बड़ा इसका मतलब बड़ा रोल है, मेजर रोल है. बिल्कुल, शी इज द मेन लीड इन द होल स्टोरी. आंटी इज द एग्निस्ट एंड द प्रोटैगनिस्ट. सो व्हाट हैपेंड फर्स्ट, दूर क्यों किया? दूर इसलिए किया क्योंकि आई थिंक उस वक्त वी वर स्टडीइंग. ओके, आई वाज एट इंडस वैली एंड फहद वाज. बट डिड यू लाइक ईच अदर देन और यू वर जस्ट लविंग ईच अदर? पहला प्यार एहसन, पहला प्यार तो वो था हमारा. अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम. तो पहला प्यार था और फिर वो पहला प्यार कितनी अधूरा रह गया? कितनी देर रहा? 3-4 साल? 3-4 साल. अच्छा, 3 साल रहा और फिर उसके बाद जुदाई हो गई दोनों के बीच में. एक इधर यू स्टार्टेड योर करियर एंड यू वर डूइंग समथिंग एल्स. तो फिर उसके बाद मिलाप कैसे हुआ?
मिलाप का फाहद बताएंगे आपको. सो मेरी अम्मी जो थी ना, एक दफा जब हम दूर हो गए ना, तो मेरी अम्मी को एक गम खाने लगा. एंड उसके बाद वो कहने लगी कि बस मुझे अपनी, मुझे इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है. फिर 7 साल बाद फाइनली अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन थी. सेवन ईयर्स लेटर अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन थी और अम्मी ने बोला कि तुम मेरी एग्जीबिशन में आ जाओ. आई वॉज लाइक कि मैं क्यों आपके एग्जीबिशन में आ जाऊँ, कपड़ों से मेरा क्या लेना देना है. कि नहीं, तो मेरे बेटे, तुम्हें आना पड़ेगा, तस्वीरें खींचेंगी, लोग देखेंगे, तुम आओगे, मेरे लिए तुम्हें आना पड़ेगा. ऐसा चलें, ओके फाइन, आई विल कम. अब मुझे ये नहीं पता था कि अम्मी ने इसको भी बुलाया हुआ था. ओहो, अम्मी मैचमेकर बनी हुई थी. और एक तस्वीर में अम्मी बीच में आई, एक तरफ ये थी, एक तरफ मैं था, अम्मी बीच से गायब हो गई. तो तस्वीर वो ना पीछे होती गई, पीछे होती गई कि हम तस्वीर के काम अब मिल भी लो बात. डिड यू गाइस इन द मिडल व्हेन यू वर नॉट इन टच एनीमोर, डिड यू एवर सी हिम, डिड यू एवर ट्राई एंड गेट इन टच विद हिम? हर वक्त फेसबुक पे जाके इसकी तस्वीरें चेक करती थी मैं. लेटेस्ट क्या लुक है फाहद की. आई डोंट नो अबाउट हिम इफ ही एवर डिड यू डिड यू काइंड ऑफ स्टॉकर एवर. आई वुड, या एब्सोल्युटली आई वुड, आई वुड. और ऑर्किड पे फेसबुक यार, ये असल में इतनी कोई रोमांटिक कहानी है, मुझे ये सोच के तो नहीं आए दोनों. नहीं, ये बचपन की है. मतलब ये जितना हम बता रहे हैं ये सिर्फ कई गुना ज्यादा है. हम तो बता इतना नहीं पा रहे जितना हम तो इतना फिल्मी नहीं कर रहे जितनी फिल्मी कहानी. तो सर्वत इस कहानी लिखी जा सकती भाई, जब अल्लाह स्क्रिप्ट लिखता है. मैं वैसे एक ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो तकरीबन 40 years of their, you know, बचपन स्कूल में, फिर जब उनकी कहीं शादी हो गई और बड़े हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए और फिर किसी वजह से वो शादी आगे नहीं, and then they got back together after 40 years in there. So that also happens, you know. I think, you know, जब कुछ लिखा होता है ना आपके लिए, वो होके रहता है. वो ना उससे पहले आपको मिलता है, ना उसके बाद आपको मिलता है, वो उसी वक्त मिलता है जब वो लिखा हुआ होता है. बिल्कुल सही है. इसके लिए एक अरबिक वर्ड है, मकतूब. इट वॉज रिटन. It was written, of course. अच्छा, एक चीज़ फिर जब मिल गए 7 years के बाद मिल गए, तो how it changed? Did life change? Did you imagine a different life with him? Did you imagine a different life with her? You know, I'll tell you, जब हमारी मुलाकात हुई, we sat in a cafeteria and we thought हम ऐसी कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, चलो बातचीत करेंगे. हम आई थिंक कोई 7-8-9 घंटे वहाँ बैठे रहे और हमारी बातें नहीं ख़त्म हुई. और ऐसे नहीं सारे लगा दुख, सारी परेशानी. नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं लगा ऐसन कि हम कभी बिछड़े थे, बिकॉज वी पिक्ड अप फ्रॉम दैट. आई थिंक हर अच्छे फ्रेंड्स की भी यही होती, यही होती है बात. कि आप 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, यू पिक इट अप फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट. जब एक स्पेशल बॉन्ड जो होता है, आई थिंक कनेक्शन जब होता है ना, तो ऐसे ही होता है. जैसे आप कजन्स के साथ भी यही होता है. ऑफ कोर्स, आप 10 साल बाद मिले तो इट्स लाइक इंस्टेंट, क्योंकि बचपन एक टाइम गुजारा होता है. बट द फनी थिंग इज कि फहद को उसकी फैमिली कह रही थी कि तुम सरवत की तरफ बढ़ो. फहद कहने लगा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वी आर वेरी डिफरेंट. मेरी फैमिली को भी जब पता चला तो उन्होंने भी यही कहा कि यू नो लाइक गेट एंगेज्ड और कोई बात पक्की कर लो. मैंने कहा इतने साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, आई डोंट नो हाउ ही इज, वेदर ही लाइक्स मी और नॉट. बट वही हुआ जो होना था. क्या बात है, क्या बात. अच्छा, अब दोनों माशाल्लाह यू गाइस हैप्पी कपल, और एक दूसरे की कितनी इनपुट है एक दूसरे की खुशी में, जिंदगी में, सक्सेस में. Like Sarwat has done such great work. TV जब बहुत ज़्यादा कर रही थी तब भी, web series भी करती है और अच्छा काम करती है. He's doing so well in, he's been doing modeling, working, acting भी. अब तो acting से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे कहीं और छाप रहा है surgery में, तो क्यों acting को मुँह लगाएगा वो कर ही नहीं रहा. अब surgery में भी माशाल्लाह he's made a good name and he's doing so well. In fact, I was telling him, somebody was calling me from abroad 2 days back and they talked about Fahad and they said के वो तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा उसका काम है. सो ये दोनों की सक्सेस में एक दूसरे का कितना हाथ है. बहुत ज़्यादा. आई थिंक मैंने फहद से सीखा है कि अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना एलिवेट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल. आपका शौहर आके कह रहा है यू लुक ब्यूटिफुल, यू डिड सो वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. दैट टॉट मी हाउ टू अप्रिशिएट हिम बैक एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एवरी डे. एहसन मैं जो इनके टेस्टिमोनियल्स, जो इनके सारे पेशेंट्स देते हैं, and they change, he changes their lives and that is very uplifting and I'm so proud of him and he has a beautiful heart.
तो मुझे इनके दिल से बहुत प्यार है. फ्री में कर देता है लोगों की सर्जरीज. हाँ, लाइक फॉर चैरिटी भी करते हैं. ऐसे पूछो, ब्यूटीफुल हार्ट. क्योंकि यू नो सम पीपल कांट अफोर्ड इट, उनकी प्रॉब्लम है. अच्छा, सीरियस? अच्छा, मैं समझा मजाक. यू कैन अफोर्ड इट. यार अभी तक तो जरूरत नहीं सरवत, लेकिन जाहिर है जब हमें कभी वैसे मशवरा लेने तो आ ही जाएंगे कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो. अच्छा, 51 साल बाद यार. हाँ. किसने देखे अपने एक लम्हे का नहीं मैं पता. अच्छा एनीवे, फाद ये बता यार कि सरवत का काम और दिन में बहुत काम करने जाना, आउटडोर्स करना भी. मैंने सरवत ने काम किया लाहौर में सर्दी में, बहुत ख्वार हुए, लेकिन बड़ा मजे का काम वो, जब आएगा तो सब लोग देखेंगे. और इट वॉज फ्रीजिंग आई रिमेंबर, एंड शी सच अ हार्ड वर्किंग. मैं कहूँगा मैं इस फील्ड की लड़कियों को ना बड़ा यानी हम लोग खड़े नहीं हो पाते यार, ये लड़कियाँ इन इसने क्या स्लीवलेस सा कुछ पहना हुआ है और ऊपर एक शॉल. मैंने कहा यार ये कौन है, जंगजू किस्म की, देखने में ही इतनी सी है. सो हाउ डू यू मैनेज विदाउट हर kids, you have two sons also, or kis tarah jab ye kaam pe hoti to kaise manage karte ho? Yaar Sarvat jo hai na bahut hi exceptionally sorted individual hai, iska zehen bahut hi organized aur bahut hi clean kaam karta hai, unnecessary faltu cheeze nahi hai. To iska jo system hai na, isne itna acha ek system banaya hua hai ki system chalta hai, iski har waqt maujoodgi ki zarurat nahi hai. Bachon ke school ka time fixed hai, snack ka time fixed hai, प्ले डेट का टाइम फिक्स है, छत पे जाने का टाइम फिक्स्ड है, शावर का टाइम फिक्स्ड है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है. सो अगर तो मुझे लिटरली जब ये ट्रैवल करती है मुझे कुछ नहीं करना होता है. वाह यार, सब कुछ सॉर्टेड है. सब कुछ सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. मियां के भी काम सॉर्टेड होते हैं या नहीं? मुझे बस अपना ख्याल रखना पड़ता है. हाँ, अब इतना तो इतना तो कर लो. अब तीन बॉयज में से दो बॉयज का ख्याल रख रही हूँ, तो एक बॉय तो वो बहुत छोटे हैं, उनका रखना भी पड़ता है. कभी कभी तो कहते होंगे बट ही इज नॉट लाइक हाई मेंटेनेंस नहीं है. डिमांडिंग नहीं है कि बेगम नहीं, प्लीज मेरे लिए कर दो. फहद को खाना अच्छा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही कम्स बैक होम. ऑब्वियसली एवरीवन वो एक चीज है कि मुझे सोचना पड़ता है कि यार आज क्या बनना चाहिए. ठीक है, ठीक है. तो मैंने देखा कि कहीं पे सरवत जो है वो फाद का सर भी दबा रही है और पांव भी दबा रही है. ये क्या आप में देखोगे ऐसा होता नहीं है. ओह माय गॉड, मैंने कैसे देख लिया? मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी नेक्स्ट टाइम एविडेंस. सरवत से एक दो दफा तो हुआ होगा. एक दो दफा ही हुआ होगा, 7 साल में एक दो दफा ही हुआ होगा. मुझे इससे भीख मांगनी पड़ती है. ऐसे मैं सुबह से रात तक होके ऑपरेट कर रहा होता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा होता है. रात में वापस आता हूँ 11 बजे, जा रहा हूँ प्लीज पैर दबा दो. अच्छा मैं बच्चों को सुला के आती हूँ भाई, उसके बाद तो 1 घंटा हो जाएगा, मेरे पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, मैं भी सो जाऊंगा. क्या सीरियस है? बच्चों के दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं. ये ममता कार्ड प्ले कर रही है. ममता कार्ड. लेकिन नहीं, कभी जब वो देखते होगी कि असल में इसको मेरी जरूरत, तब तो आ जाती है. कभी कभार आ जाती है. तो सबको मैनेज करना होता है. बच्चे छोटे इतने वल्नरेबल होते हैं, उनको देखना बहुत. लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? ऑनेस्टली मेरे दिल से सवाल आया. ये मेरे दिल से सवाल था. मैंने सोचा एक दिन जब मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरे कोई पूछने वाला नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि क्या वाकई बीवियां शोहर का ऐसे ख्याल रखती हैं? क्या ये रखना होता है? I think दोनों को एक दूसरे जमाना बदल गया है. नहीं तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल ही रखना चाहिए. Oh my God, you sound so deprived of love and care. You know what? Every man would sound deprived. जितना मर्जी मोहब्बत मिले ना हम लोगों को, यानी मेरी भी बेगम बोल रही थी कि यार it's never enough. You can never see it. तो वो ये होता है. I think लेकिन असल बात पता है क्या है? जब आपको किसी से प्यार मोहब्बत हो ना और किसी की अटेंशन चाहिए, तो फिर वो जब कहीं और टेंशन होती है ना उसकी, तो आपको अच्छा लगता है. आपको लगता है कि इधर भाई इधर देखो हमें. ये भी तो होता है ना. इट इज फ्लैटरिंग. या इट इज ऑफ कोर्स. सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. कि अगर वो डिमांड, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक. ये जब दुख में होते हैं तब भी मैं ठीक होती हूं. बट तुम इतनी अच्छी बात कर रहे हो, बिकॉज़ अगर प्यार होगा तो ही तो टेंशन, वरना तो इंडिफरेंट हो जाता है आदमी. हाँ, वरना इंडिफरेंट तो बस गैरी नहीं करता. हाँ, तो अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. वो तो एक रिलेशनशिप ही नहीं हुआ ना, वो तो फिर एक गुजारा हुआ. अब अगली बार मैं बोलूँ ना मेरा पैर दबाओ, मैं प्यार चाह रहा हूँ, दबाओ पैर. अगली बार वो भी बोलेगी पैर दबाओ, उसे ना ले लो. मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी तुम दबाती हो पैर, कमर दबाती हो. मैं कहती थी नहीं, क्या दबाना होता है? तो कहती ये तो बेस्ट टाइम है अपनी लाडियां उठवाने का. तो नेक्स्ट बेबी, गेस वेयर यू आर गोना बी व्हेन आई एम हैविंग माय नेक्स्ट चाइल्ड. तब सर्जरी वर्जरी को
लेकिन उसका एक अलग मजा होता है कि फहद के ऊपर जरा खर्चा डालना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एनिवर्सरी का मैं वेट करती हूँ। मैं देख लेती हूँ और थोड़े से पैसे दे आती हूँ दुकानदार को। मैं कहती हूँ ये होल्ड करो, 14 अगस्त तक आप होल्ड करेंगे। ओह दैट्स लवली, तो हम आजादी के दिन अपनी चीजें फिर लेते। वेरी नाइस, बट यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल कि अपने घर वालों के लिए अगर आप ये चीजें कर सकें, इतनी हसीन फीलिंग होती है ये। आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग योर लाइफ, है ना? इट्स लाइक सबको इंक्लूड करके आप आगे, है ना? अपने घर वालों के लिए अगर आप कुछ कर सके, उनको खुशी दे सके, नथिंग मोर देन दैट। डेफिनेटली आई एग्री, वेरी नाइस। अच्छा सरवत, बहुत से ऐसे कॉजेस से जुड़ी हुई है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो जो स्पेशल बच्चों के ओलंपिक्स होते हैं उसके लिए भी। फिर अभी हमने देखा कि योर स्टाफ हु इज अ हिंदू गाय, एंड देन उसको रक्षाबंधन का जो एक त्यौहार होता है वो मनाया। तो ये जब सब चीज़ें जो हैं, ये इज इट बिकॉज when a celebrity does such things or people who are famous when they do such things, to wo ek gesture hota hai society mein, ek role model ban rahe hote hain, to ye cheeze on purpose bhi karte ho ki yaar mujhe apne bachchon ko bhi ye baatein sikhani hai, achhi cheeze logon ke samne bhi achhi cheeze dikhani hai, aur acche cause ke sath judke ek badi satisfaction bhi hoti hai, aisa hai? Absolutely, aisa na I feel ki hum bahut blessed hain ki hamare paas itni lakhon aankhein aur itne lakhon kaan hain jo hame dekh rahe hain aur sun rahe hain। और क्या फ़ायदा आपका ज़िंदगी गुजारने का जब आप सिर्फ अपने लिए ही कुछ कर रहे हो और दूसरों के लिए कुछ ना कर रहे हो। सो आई फेल्ट एज अ चाइल्ड ऑल्सो, माई मदर डिड अ लॉट ऑफ चैरिटी, माई फादर हेल्प्ड अ लॉट ऑफ कॉजेज, तो इट्स इन माई ब्लड आई थिंक। बट आई फेल्ट के स्पेशल ओलंपिक्स जैसी एक अमेजिंग कॉज जो 30 साल से हो रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं पता? बिल्कुल, तो पता क्यों नहीं है इस, ये तो प्रॉब्लम है। बट यू बिकम अ वॉइस फॉर देम। सॉल्यूशन क्या है? आई फाउंड आउट आफ्टर यू स्टार्टेड सपोर्टिंग इट। यस, सो लाइक आई एम सेइंग कि आप जब फेमस होते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाता है कॉजेस को फ्रंट पे लाना, रिस्पांसिबिलिटी भी आ जाती है। बिल्कुल, इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दैट यू नो वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वी जस्ट कांट कीप टेकिंग इन, टेक इन द लव, टेक इन द अप्रिसिएशन, टेक इन ऑल द गुड थिंग्स, बट व्हेन आर यू रिटर्निंग इट बैक? और रिटर्न बैक आप उन लोगों को नहीं करें जो आपको दे रहे हैं, बल्कि रिटर्न बैक आप उनको करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सोचना भी कि वो कभी टीवी पे आएंगे। So I wanted to take all these special athletes around. मैंने बड़े rounds किए morning shows के, before the games, after the games, where I would take them. और आप यकीन करें एहसन, आपने देखा है Olympics में आजकल क्या हुआ है हमारे साथ, but special Olympics में जब भी हमारे athletes जाते हैं, 72-85 athletes जाते हैं और हम 65 plus medals लेकर आते हैं, you know, that's a huge thing. तो वो आए, मेडल्स लेकर आए और चले गए और किसी ने उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो उसकी जीत की तो मिठास ताली में है और अप्रिसिएशन में है, एक्नॉलेजमेंट में है। सो दीस लेस एबल किड्स आर ऑल देयर और वो बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन बहुत ज्यादा। और आप यकीन माने कि जब हम इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं, 195 कंट्रीज में पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज एंड आर किड्स आर रिप्रेजेंटिंग इट। सो बड़े ऑनर की बात है ये। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को रेज करना है और किस तरह रेज करना है, सो आई फील एक माँ बाप दोनों के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आजकल के ज़माने में लड़कों को कैसे रेज करेंगे, कि वो औरतों का ख्याल रखें, अच्छे सिटीजन बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बने, दूसरों की इज्जत, खवातीन की इज्जत, जैसे आपने एक इस पे बात की। बिल्कुल, एंड आई फील कि ये चीज़ें डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस हैं, ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये घर से सीख के जाते हैं। ऑफ कोर्स, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने बच्चों को भी ये सिखाना है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, घर में थोड़ी ऐसी भी मैं बात जानना चाहता हूँ जो हमारे लोग भी बड़ा खुश होते हैं सुन के, कि मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है जो लोग फॉलो भी करते हैं, इंस्पायर हम लोग भी करते हैं, सो वो किस तरह से एक दूसरे की कोई चीज़ बुरी लगती है
या कोई बात, ऑब्वियसली इंसान है, एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है बहुत ज्यादा, तो हाउ डू यू मैनेज टू इग्नोर दैट? व्हाट्स द रिएक्शन? अच्छा, ज्यादा गुस्सा सरवत को चढ़ता है या फहद को ज्यादा? गुस्से में कौन आता है ज्यादा दोनों में? फहद को बहुत कम गुस्सा चढ़ता है, मुझे बहुत ज्यादा आ जाता है, मगर कम कम आता है। जैसे जब फौरन डाल गई है, ज्यादा गुस्सा चढ़ता क्या करती है? इज शी वन ऑफ दोस जो बिल्कुल नाराज होके बात नहीं करती है? इज शी वन ऑफ दोस जो बहुत ज्यादा बोल के बोलती है कि ये है? ओके, सो आपको क्या लगता है? बोल के नहीं, ये दोनों होता है। पहले शुरू के अंदर थोड़ी देर के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट होती है, हाँ। कुछ बात नहीं करी, उसके बाद छोड़ती नहीं है, भूलने नहीं देती। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दो, पास्ट में था, मैं वापस जाके चेंज नहीं कर सकता, छोड़ती नहीं है। उस बात का ताना बाद में मिलेगा, चलता रहता है, 2 महीने 4 महीने बाद भी नहीं, मतलब 24-48 घंटे, 48 आवर्स के बाद वो छोड़ जाती है, बट वो टफ 48 आवर्स होते हैं। आई सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अब मैं क्या पास्ट में जाके बदल तो नहीं सकता? जो कर दिया वो कर दिया, माफ कर दो मेरी माँ, क्या करूं मैं? अच्छा, what does he do? How does he react? But he's really, you know, getting irritated and he's really furious. Fahad is vocal, बताते हैं कि क्या problem है और क्या चीज upset कर रही है। तो शुरू में तो मुझे होता था कि क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या है, किस तरह करूं, लेकिन अब मैं आई गिव इन। इट्स बीन आवर 7th year दिस ईयर, सो इट्स यू नो थोड़ा टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, और ये 5-10 मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 7 years is a chakra, you know, 7 years जब गुजर जाते हैं ना आपस में, उसका मतलब है कि अब चल। मैंने ये सुना है वैसे। अब ट्रैक पे चढ़ गई गाड़ी। 7 years यार, इतना लंबा अरसा है। अभी 7 years सिर्फ एक दूसरे को समझ ही रहे होते लोग। It takes time। मैंने ये सुना है। 7 year age। हाँ ना। But मैं आपको बड़ी interesting बात बताती हूँ। पहले मैं जो हूँ ना, मैं फहद पे गुस्सा होती थी। हम कहीं पार्टी पे गए, वहाँ कोई एक्स्ट्रा बातचीत हो जाए, पहले मैं फहद पे गुस्सा होती थी और हमारी नाइट जो है वो रुइन हो जाती थी। मतलब you know? मैं अपना काम से काम रख रहा हूँ, कोई आया मेरे से बात करके, जरूर किसी जाहिर है किसी कुछ ऐसी लड़की, हमें पता है मतलब जाहिर है, आके बातें करती होंगी। तो फहद बड़ा ये फ्रेंडली आदमी, बड़ा खुश अखलाक है और ये इंतजार कर रहा होता है कि कोई बात करे तो मैं आगे से। लेकिन अब मैं पता है क्या करती हूं, अब मैं करती हूं, मुझे पता है ये सारे ये जो बॉयज के गेम्स है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करती हूं ऐसा, अब मैं फहद को कोई स्ट्रेस नहीं देती। ओके, अब जिसको जरूरत होती है ना मेरी अटेंशन की, मैं उस तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लेती हूं, फिर वो बस वही। अच्छा, मियां जो है इतना जबरदस्त सर्जन भी है और पूरा ट्रीटमेंट ब्यूटी के करता है, तो कभी फायदा उठाया थोड़ा सा? हाँ। यार ये मजे, दुनिया फायदा उठाए, ये मजे यार, तो कभी कभार तो चलता है, ठीक है। बट मैं आल्सो आई फील कि क्योंकि ये घर की है, क्योंकि इट्स सो अवेलेबल फॉर मी, आई फियर दैट अगर आई गेट इनटू इट, नहीं अगर मुझे आदत हो गई या मैं, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, फिर ओवर चीजें होंगी, फिर ओवर हो जाएगी। बट मैं करने नहीं दूंगा ना, यही तो उसका जॉब है कि बताना कि भाई अब ये चीज, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू माई वाइफ और टू माई फैमिली और टू माई फ्रेंड्स, ये मेरे हर मरीज के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं तो यू टेल देम कि देखो इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, अगर करना है किसी और के पास जाओ। आधे से ज्यादा हमारी जो लड़की है ना, वो मुझे फोन करके कहती प्लीज इससे कहो कि हमारा अपॉइंटमेंट ले ले, बिकॉज ये मना ज्यादा करता है और अग्री कम करता है, क्योंकि इसका ये होता है कि ज्यादा किसी। अच्छा ब्रेक पे मैं जाना, लेकिन एक सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ, ज्यादातर जो लड़के या लड़कियां आते हैं, रेशो जिनका भी है ज्यादा, वो क्या सबसे पहली उनकी चाहत होती है कि हमें ये कर दो आजकल? क्योंकि हमारे पता है बड़ा कॉम्प्लेक्सेस भी लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग सोचते भी बहुत ज्यादा हैं और ओवरडू भी करते हैं, बट व्हाट इज द थिंग व्हिच दे वांट द मोस्ट? अगर मैं तुम्हें सोशियो इकोनॉमिक उससे बताऊं, तो जो अनफॉर्चुनेटली जो लोअर मिडिल क्लास तबके से लोग आते हैं, उनको व्हाइटनिंग चाहिए होती है, उनको रंग गोरा करना है, रंग गोरा करना है। और जो इतनी सैड बात ये है कि वो प्राइमरीली जो लड़कियां आती हैं वो शादी की उम्र में होती हैं, उनको रिजेक्ट हो चुकी होती हैं, और सासों ने कहा होता है कि गोरी लड़की चाहिए, तो वो यार इतना मुझे इतना दुख होता है मुझे, तो यू नो बहुत मुझे दुख होता है। बट लोअर उसमें जो अपर क्लास से लोग आते हैं, वो ज्यादातर फिलर्स चाहते हैं, ज्यादातर यंग पेशेंट्स फिलर्स चाहते हैं, चीक बोन्स बेहतर कर ली, एजिंग के साथ जो चेहरे में डिफ्लेशन हो रही है वो और फ्रेश हो जाता है चेहरा, लिप फिलर्स लड़कियां बहुत चाहती हैं, नोज फिलर्स, जो कि एक
नोज ठीक कराने आते हैं लोग बहुत नोज चीक्स हाँ नोज की तो मैंने इसके बहुत सर्जरी अच्छा देखी है ये पिक्चर्स कोई ऑब्वियसली पेशेंट से परमिशन लेके ही शेयर्स द होल प्रोसेस एंड पिक्चर्स व्हिच इज ब्रिलियंट एंड ही इज अमेजिंग माशाल्लाह बट एनीहाउ बातचीत का सिलसिला जारी रखे मैं गेम्स खेल रही हूँ हमारे शो में असल में तो गेम्स होती जो हम खेलते हैं और इनसे बातें मैं शुरू हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक घंटा बातें करता चला जाऊं बट एनीहाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापस आके गेम खेलेंगे आप देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और हमारा सेगमेंट है तीखा सच और सरवत और फाद को भूख भी लगी है और वो बहुत खुश हैं कि उनके सामने विंग्स पड़े हैं सरवत भूख लगी है ना बहुत ज़्यादा आज पता चलेगा जो फाद की बात थी ना कि सरवत कुछ भी खा लेती लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता मिर्चे पसंद है बहुत ज्यादा तो फिर आज ये ओह माय गॉड नहीं ज्यादा नहीं है बिल्कुल दिस इज जस्ट लाइक नो यू किडिंग मी नो कुछ नहीं होता सरबत ये तो मैं सरबत खुद तो कह रही मिर्चे पसंद है बस दैट्स इट मेरे लिए हल्का हाथ रखना हल्का हम सर, तो सर, बहुत पसंद है बहुत पसंद है ये रे भाई ये कितनी पसंद है बहुत पसंद नहीं ओह माय गॉड लुक एट दैट आई एक्चुअली ईट दिस अच्छा वैसे अगर बहुत दिल करे मिर्ची खाने का तो ये भी खा सकते हैं ओह माय गॉड पहला सवाल करें शुरू सरवत से जी सरवत आप खाएंगी और जवाब देंगे अच्छा जी एक बाइट तो ले लें जरा ओह माय गॉड कितना यम्मी लग रहा है यार इट्स सो टेम्प्टिंग ओह माय गॉड मिर्ची यार प्लीज लेकिन मिर्ची तो है ही नहीं जरा सी मिर्ची सरवत जल्दी से जवाब दें कि जवानी फिर नहीं आनी का पार्ट वन इजी था और पार्ट टू मुश्किल था ऐसा क्यों का क्योंकि दो साल के बाद उसी कैरेक्टर को करना जरा जो है ना वो मुश्किल होता है स्पेशली व्हेन यू आर पुटिंग अप एन एक्सेंट तो मैंने हमेशा कैरेक्टर करके भाग गई हूँ और अगले कैरेक्टर को मैंने लिया है बट जवानी में मुझे खाना भी है साथ था मुझे वापस आना था उस कैरेक्टर के लिए और पठानी जरा मुश्किल था मेरे लिए ओके बट यू प्लेड इट सो वेल थैंक यू ठीक है जी ओह माय गॉड फहद साहब डॉक्टर साहब शुरू करो दावत है आज आपकी पार्टी चल रही है एक तो बुला के करंट मारते हो फिर मिर्ची खिलाते हो तुमने मुझे नहीं बताया था कि ये होने वाला है पता नहीं कौन सा मेरा गेस्ट आया मुझे कहते यार ये शो है टॉर्चर टॉर्चर है लेकिन अब तो यू आर इन इट सो यू हैव टू डू दिस ठीक है जी फहद मिर्जा खाओ पहले खाएंगे आप अच्छा सा सवाल है साजिद हसन का कहना है कि उनकी मुश्किल में फहद ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी सर में और फहद ने मेरा सारा इलाज कराया इसके बारे में कुछ बताएं सो साजिद भाई जो है हमारे मुल्क के बहुत बड़े आइकॉन सुपरस्टार आई लव हिम ओह माय गॉड व्हाई आर यू किडिंग मी इस वक्त तो साजिद भाई को छोड़ो मेरे अपने मसले हो रहे ये सर्वत सॉर्ट करेगी घर जाके लेकिन खाना जरूरी साथ साथ नहीं खाते रहूंगा तो जब मैंने उनकी व्हाट्सएप वीडियो देखी मैंने बोला इनकी तो ये हड्डी खुल गई है ये तो बहुत डेंजरस है इट्स वेरी डेंजरस तो हमने उनको रीच आउट किया मैं इतना यंग था और मैंने बोला आप मुझ पर ट्रस्ट करें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे छोटा बच्चा था हर किसी ने बोला तुम तो इस केस को नहीं लेना ऐसे ही सपने ख़राब कर दिया है तुम तो नया करियर शुरू कर रहे हो ख़राब हुआ तुम्हारा करियर तो ख़त्म हो जाएगा ऐसा जो भी हो करियर ख़त्म हो नहीं हो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है कोई हेल्प नहीं करा मैं हेल्प करूँगा तो बस साजिद भाई फिर अल्लाह ने कुछ करा दिया साजिद भाई भी बहुत टेम्परमेंटल हैं और इतने सीनियर हैं उनको उनके साथ तो साजिद भाई की हेल्प करने के लिए मुझे साजिद भाई से भी लड़ना पड़ा यू नो लेकिन You fixed the issue. I met him recently, तो काफी मैंने तब भी देखा था वो थिएटर कर रहे थे तब तब भी देखा था इतना प्रॉब्लमैटिक था और फिर बाद में भी देखा इट्स फिक्स्ड ओके सरवत खाना यार थोड़ा सा इट्स टू मच हां बट आप तुम खाती नहीं हो खाओ To all the haters in the world, stop following me if you hate me so much. ये लिखा था गुस्से में परेशानी में या दुख में दुख में क्यों क्या हुआ था क्योंकि मैंने करण जौहर हमें मिले थे एयरपोर्ट पे और जैसे फैंस होते हैं उसकी तरह हमने भी उनके साथ एक एज अ फैन तस्वीर खिंचवाई और मैंने वो लगाई
और फिर लोगों ने जो बातें की हमारे लिए कि ओ गद्दार हैं और बॉलीवुड के ये हैं और आप लोग तो चमचे हैं और ये हो जाते, मतलब एक सेकंड नहीं लगा उनको सब कुछ डिसरिगार्ड करने के लिए जस्ट बिकॉज हमने एक बॉलीवुड स्टार के साथ पिक्चर लगाई थी. तो मुझे ये लगा कि जिसको नहीं हजम हो रही मेरी कहानियाँ, माई स्टोरीज, माई लाइफ, प्लीज़ अनफॉलो मी. फॉलो भी करना है, देखना भी है, डिसलाइक भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, गालियां भी देनी है, गालियां भी देनी है. पर ऐसे में तो मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पे ह्यूमैनिटी आ जाती है. उनके नेशंस हैं, बॉर्डर्स हैं, रिलीजन्स हैं, जो भी है, लेकिन इंसान इंसान का भी रिश्ता होता है. जब हम करण से मिले थे एट द रोम एयरपोर्ट, तो इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मसला चल रहा था और करण के खिलाफ भी जो फवाद की मूवी वो रिलीज कर रहा था, उसको कितना टफ टाइम दिया था इंडियन वो हिंदू फंडामेंटल्स ने. तो करण वॉज ऑन द रियली हॉट सीट इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज वेल. तो जब हम उससे मिले और मैंने बोला कि प्लीज से हेलो टू ऑल द पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान, फॉर अ स्प्लिट सेकंड वो हेजिटेट किया बिकॉज ऑलरेडी वो इतने मसले से अभी निकला था पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान को सपोर्ट करने को लेके. बट देन वो हेजिटेट किया, मुस्कुराया एंड देन ही सेड अ बिग हेलो टू एवरीबडी आउट देयर इन पाकिस्तान. आई फाउंड दैट सच अ नाइस जेस्चर कि उसने, ऑल्दो सेइंग पाकिस्तान वुड आल्सो लैंड इन हॉट वाटर. नोबडी शुड जज एनीबडीज patriotism या मोहब्बत जो वतन से होती वो तो दिल में आपके, वो आप कैसे किसी की पिक्चर के लिए कह सकते हैं. सही है, सही. अच्छा जी, इसलिए हुआ था. ठीक है जी, फहद, खाना यार. I'll start eating, baby. I'll start eating. Shoot. Oh my God. अर्तुरल में जो मंगोल कबीला दिखाया गया है उससे क्या रिश्ता है? बकायदा एक पोस्ट भी लगाई थी इस हवाले से. ये क्या था? So, मिर्जा बर्लस और बेग ये सारे मंगोल डिसेंडेंट्स हैं. हाँ. और जो मुगल एम्पायर थी, yeah. जो सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम लाई है. हाँ. जिस वजह से आप और मैं भी मुसलमान हैं. हाँ. और पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैलाया. आई एम अ डिसेंडेंट ऑफ देम. तो वो पहले जब मंगोल थे, रिश्तेदार हुए वो हमारे रिश्तेदार, आबाओ अजदाद हुए. पहले वो मंगोल थे, उसके बाद वो मुसलमान हो गए ना. और वही मुसलमान के डिसेंडेंट्स अब हर जगह मिर्जा बर्लस बेग सारे मंगोल डिसेंडेंट्स. तो वो वही मिर्जा हैं जो आप मिर्जा हैं. वही मिर्जा हैं जो वो मिर्जा हैं. ठीक है, ये रिश्ता है आपका. चिंकी आइज भी है थोड़ी सी. इनकी जो मंगोल्स की एक आईब्रो होती है सर्टन. अच्छा अच्छा, बड़ी. मेरी छोटी बहन तो बिल्कुल चाइनीज लगती है. Your project चुड़ैल feminist का dream project है. लेकिन सर्वत ही कहती है कि मैं feminist नहीं हूँ. इसकी पूरी statement है, जो आधी लोगों ने सुनी. उसकी पूरी statement ये थी कि अगर एक bandwagon पर चढ़ के ये कहना कि all men are bad, let's trash men, men बुरे ही हैं, तो मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. लेकिन क्योंकि मैं इतने खवातीन के हकूक के लिए खड़ी हो रही हूँ, मैं इतनी एवेन्यूज पे ऐसा ना, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज, आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई एम पार्ट ऑफ सर्च ऑफ फॉर जस्टिस. इतनी सारे एवेन्यूज पे मैं वुमेन्स राइट्स के लिए बात करती हूँ, लड़ती हूँ, हक के लिए आवाज उठाती हूँ, तो कैसे नहीं हो सकता कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. तो इक्वल राइट्स ऑल द वे, बट हेटिंग मैन, नो, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ फेमिनिज्म. आई थिंक सरवत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. ओह, ये बात भी है. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. सो दिस नॉट मच रीजन टू यूजर देखा है कि ये क्या कहना चाह रहा है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये भी तो है, जब आपके अपने घर में आपका बाप, आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई अगर एक अच्छा आदमी है, तो फिर आप आदमियों की कदर करते हैं यार. बिल्कुल. और क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल. अगर आप रेज्ड हुए हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन के अराउंड, तो आप औरतों की भी कदर करते. बिल्कुल, यही. इसी तरह एक अच्छा आदमी जो होगा वो सबसे पहले अच्छा तभी होगा. इवन इन आवर रिलीजन, हमारे मजहब में भी ये कहा गया है, औरत की इज्जत का. हमारे जो नबी थे वो इतने हम्बल थे जी, वो एंड औरतों के राइट्स के लिए अपनी जो अजवाजा उनकी जो वाइफ होती थी, बिल्कुल उनकी भी छोटी छोटी फरमाइशों को वो रद्द नहीं करते थे. बिल्कुल. और उससे पहले खवातीन का, बच्चियों का जो हाल करते थे उस जमाने में, मार देते आने से पहले. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी. आगे बढ़ते, फहद मिर्जा खाएं. बैक टू इट. फहद मिर्जा के बहुत सारे
सच बोलने से या बगैर सोचे बोल देने से कभी कभी सरबत भी फंस जाती है। क्या ऐसा है? फंस सकती है लेकिन मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। और okay. बहुत सारे लोग फंस सकते हैं लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास अमानत है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जा सकती। कभी तो कोई ऐसी से बात कर रही है, सरबत की बेस्ट फ्रेंड्स भी आती है ना, उनको भी नहीं पता, सरबत को भी नहीं पता तो वो आती है। अगर वो बताती है तो मुझे पता चलता है। तो मैं जब मैं कहीं पार्टी में, चलो मैं ये तो पता चला सरबत की बेस्ट फ्रेंड्स आती है। लेकिन सरबत की बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स है, सो यू नेवर नो। आज इंस्टाग्राम पे देखेंगे स्टॉक के सरबत की बेस्ट फ्रेंड कौन है। बट यू नो ऐसा नहीं है, आई विल टेल यू कि जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं ना, और मेरा कोई पेशेंट मुझे नजर आता है, मैं उसको जाके हाई भी नहीं करता जब तक वो खुद मेरे पास ना आए। ओके, कहीं वो ये क्योंकि अच्छा किसी कौन चीजें ऐसी बहुत ज्यादा लोगों ने प्राइवेट भी रखनी होती है कि डॉक्टर के पास गए, ये कराया, वो करा। बड़ा नुकसानदेह प्रोफेशन है, कोई बताता नहीं है कि ये अच्छा है। जैसे जूता तो मिल रहा हो तो बैग्स मिल रहे हो तो लोग कहते हैं जाके खरीद लो, कोई नहीं बताता मैंने आज बोटॉक्स, ये डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे हैं, इनके पास जरूर जाओ। कोई नहीं बोलेगा, बोलती हाँ इसके पास नहीं जाओ, इसके वो जो अच्छा होता है इसके पास नहीं, वरना वो भी अच्छी हो जाएंगी। ये भी है बड़े यार, ये भी है बड़े इश्यूज, ये भी है, कैन यू इमेजिन, ये भी है। ओके ठीक है जी, सरबत Why is it anyone's business to comment on how many children should I have? ये ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं कितने बच्चे हों या ना हों, ये कोई comment क्यों करेगा? ये क्या था? ये था एक हमारे जानने वाले हैं। जब मैं second time I was expecting, तो उन्होंने कहा कि हम टीवी भिजवा देते हैं आपके घर पे, लगता है आप लोग बड़े बोर हो रहे हैं। I just did not like that। इस बात का क्या मतलब है, समझा नहीं? कि if you get busy in watching TV, you will not get busy in making babies. Oh, okay. And I thought that was so rude. और मेरी उनसे कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी। और मसला ये है कि ऐसी बातें मर्द ही करते हैं। क्यों भाई, आपका कोई बिजनेस ही नहीं है मुझे बताने के लिए कि मुझे कब बच्चे करने चाहिए और कितने बच्चे करने चाहिए। मैं आपके पास से तो पैसे लेके उनको नहीं पाल रही हूँ। सो व्हाई इज इट एनीबॉडीज बिजनेस टू आस्क कि शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं। इट्स अ वेरी फुप्पो खाला काम, वेरी, और वो है भी बेचारे बड़ी फुप्पो खाला ही टाइप है वो, तो फिर उनको जानते है ना आप, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आज सरबत ने बदला ले लिया। ठीक है जनाब, फहद और खाएंगे क्या? बिल्कुल खाएंगे, खाएं और हम एक ब्रेक पे जाएंगे और नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फहद और सरबत को टाइम आउट विद एहसन खान में। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan, Sarwat और Fahad हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो इनका हमारे जितने भी guests आते हैं उनका favorite sofa ये है और इस पे झटका लगने वाला है। Segment है हमारा जोर का झटका, क्या आप लोग तैयार हैं झटके खाने के लिए? अल्लाह करे धीरे से लगे। धीरे से लगेगा, फहद बहुत खुश लग रहा है, उसको मौका मिल गया शायद, मुझे लग रहा है झटके लगाने का, क्या सीन है? वैसे तो बाहर मरीजों को लगाते ही रहते हैं, आज घर में घर वाले को लगा रहे ठीक है, लेकिन इसके पास भी बटन है, ये तो भी मुझे भी लगता है झटका, तो सोच समझ के, हाँ सोच समझ के। ठीक है जी, यू विल हैव टू रिप्लाई एज सरबत एंड यू विल रिप्लाई एज फहद, यानी मैं सरबत फॉर नाउ, या ठीक है। लेकिन पहला सवाल हम फहद से करते हैं एज सरबत, दोनों में से ज्यादा शक ये सरबत ही करती है। नहीं मैं सरबत हूं ना, हाँ, नहीं मतलब इसका सच सरबत नहीं करती, सरबत तो बहुत शक करती है, यही ना? हाँ सरबत शक करती है, हाँ बहुत मतलब ज्यादा, छुपा भी नहीं रही, देखो नहीं क्यों छुपाए हम सच नहीं, लेकिन इतना शक क्यों, तूने मौका दिया होगा तूने भाई, क्यों मौका दिया? ये देखो हाँ। आदमी पे तब शक होता जब मौका कभी कोई चांस दिया उसने कि अब मुझ पर शक करना। यार मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो बस एक खुश मिजाज आदमी हूं।
मैं तो बस ध्यान से लगा कि जरा हाथ से वो शक उसी पे आता है कि इतनी खुश में साजी इतनी खुश मेरी घर पे तो नहीं है जाके इतनी खुश इतनी खुश में साजी ये सही है ठीक है तो इसमें झटका नहीं बनता बिल्कुल सही सच जवाब दिए से ठीक है सरवत एस फहद फहद अक्सर सरवत से किस तरह बातें छुपा लेता है कैसे छुपाता है अगर इसे बात छुपानी तो ये क्या क्या कर? अब उसको पता ही नहीं होगा अगर पता हो तो फिर पता है कि कैसे कैसे छुपाता है पता तो मैं तो मैं जिंदा नजर आता हूं तो मैं यहां होता कभी कोई ऐसी बात जो जरा इससे टालबुटोल की हो पता नहीं कुछ छुपाया है यार हां व्हाट्स द बेस्ट यू नो फॉर हिम यू नो बहाना या कुछ बहाना ये होता है कि वो मरीज है और मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं उनकी बातें नो 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 झटका 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 दोनों ने पकड़े नहीं हुए दोनों एक दूसरे को शूट फिर क्या होता है अब बताओ ये क्या सही बोल रही बात नहीं मैं हंसना शुरू हो जाता हूँ पकड़ा जाता है बिल्कुल पकड़ा जाता हूँ मैं दो सेकंड में ओह माय गुडनेस ओके जी फहद सरवत को वजन सरबत का वजन ना बढ़ने का राज ये है मैं हूं सो यू मैं रियली मैं बोला इतनी एक्सरसाइज कराते हो मैंने बोला कि मुझे फिट बीवी चाहिए सुपर फिट बीवी चाहिए फिट एंड हेल्दी मुझे अच्छी सुपर फिट बीवी चाहिए पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता लेकिन कहने लगा था कि मुझे मुझे करंट नहीं मुझे असल मुझे सोशल मीडिया पे करंट बिकॉज़ अब वो इतनी सारी बॉडी शेमिंग कर अरे भाई मतलब आप बट यू डोंट लाइक समथिंग आई मीन यू वांट योर वाइफ टू लुक यू कैन रिक्वेस्ट हर यार यू ये पहन लिया करो ये यू लग जाएगा नहीं और कोई चीज किसी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो आप बता सकते हैं यार कि लिसन ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है ये थोड़ी कि आप कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते नहीं अगर तो कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर ओबेस दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट व्हेन यू आर ऑन पर्पस बीइंग लेजी सो दैट्स डिफरेंट यू नो हां और उस पे आप कह रहे हैं शी इज ऑलवेज बीन सुपर डुपर फिट यार लेकिन मैं तुम्हें इसकी बात बताऊं शी इज सो लकी माशाल्लाह से सुबह हमारे घर में मैंगो शेक का ग्लास नहीं जग बनता है जग मैंगो शेक में से मैंगो नहीं होता दूध भी होता है और चीनी भी होती है और जग बनता है जिसमें छह ग्लास होते हैं सुबह मैं जाता हूँ रात में खत्म सुबह कोई आदमी उठता है अंडा पराठे से नाश्ता करता है मैंने तो पराठे 6 साल से देखे नहीं है हाँ और ये हाल है और एक दिन कहने लगी कि मैं तो हमेशा अब एक दिन वेंग स्केल पे मैं तो वेंग स्केल की शक्ल नहीं देखता मुझे डिप्रेशन हो जाता है वेंग स्केल में डिप्रेशन हो जाती है इंच टेप के पास नहीं जाता मैं ये वेंग स्केल पे गई फुदकती वापस आ गई ओ नो यू नो एवर सिंस आई कैन रिमेंबर आई हैव जस्ट बीन दिस वेट ऑलवेज आई डोंट गेन वेट और मैं दिल में सोच रहा हूँ लोग तो 3 मील खाते ना इसका तो रात में 3 बजे 4 बजे का एक्स्ट्रा मील होता है चार बिग मील्स नजर ना लगा दो पूरा पाकिस्तान देख रहा है कितने मील खाती है ये कोई बात नहीं यार तो पूरे मुल्क की नजर लगेगी ठीक है जी सरवत फहद का एक पॉइंट पे इसके साथ काम करना पसंद नहीं था तो मैंने उसको मना कर लिया था मैं फहद को नहीं रोकती खुल के करें क्योंकि जो गलत जगह होती है वहाँ वो खुद ही फंस जाते हैं फिर कहते हैं मेरी माँ की तौबा मैंने कहीं नहीं जाना मैंने वहाँ नहीं जाना सो आई थिंक द बेस्ट इज दैट यू लेट देम गो एंड एक्सप्लोर एंड करें जिसके साथ काम करना है खुद ही जब समझ आएगी तो फिर वरना वो होगा कि तुमने रोका तुमने क्यों रोका तुमने इसलिए रोका उसे मैं रोकती ही नहीं नहीं इसकी बड़ी अच्छी बात है कि स्पेस देती है मुझे स्पेस देती है मुझे ये मौका नहीं मिलता कहने का वो तुमने रोक लिया तुमने ये कर लिया शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्पेस एंड आई एनकरेज हिम बाद में स्पेस देने के बाद अलग कहानी होती है लेकिन
उस वक्त स्पेस मिलती है, बात है सुना कि ये कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, देखते बात को यही आ, मैं इसको दिखा रही हूं मैं कहां तक जाती हूं, वरना अगर कुछ किया ही नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा टॉर्चर का, तो फिर वो चलता रहता है, अपने बात नहीं होगी तो फिर किस बात पे टॉर्चर करोगी, कोई तो बात चाहिए, मौका दो जरा, मौका दो, ये गुड सेवन, स्ट्रेटजी बड़ी स्मार्ट है। ओके जी फहद, दोनों में से बर्दाश्त का लेवल यानी के सर्वत का ज्यादा है, किसका ज्यादा, पकड़ लो तुम जल्दी से, पकड़ किसका ज्यादा, जल्दी से पकड़ लो, किसका सर्वत का ज्यादा है, किसका ज्यादा, मेरा हाँ बहुत ज्यादा है, हाँ सर पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, बहुत पेशेंट है फहद में, रियली हाँ, बहुत मेरा बहुत सबर तो ऐसा है जैसे मैं नहीं होती चिल्ड आउट, सहरा का जो सगर होता है सबर होता है, वो मेरा सबर है कि 25 मिनट तो उठने में लग जाते हैं, सबर से निकलने में 25-30 मिनट निकल गए, ठीक है सरमत, बच्चों को कहानियां दोनों में से फहद ज्यादा सुनाता है, हम दोनों सुनाते हैं, दोनों सुनाते हैं, मैं दिन में सुनाती हूँ, फहद रात को काम के बाद आने के बाद सुनाता है, ओके, यूजुअली दे स्लीप अर्ली और दे आर लाइक एंड देन यू मेक श्योर टू लाइक चैट विद देम एवरी डे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल चीज है मुझे ये लगता है talking to your kids absolutely absolutely because they don't talk because they're either on the screen either yeah. we guys are busy working yeah. or they're doing their school work or something yeah. it's very important to talk very right important. Theek hai sarvat ki favorite actress ye hai audrey hepburn oh acha local bollywood se thalle to aane hi nahi humne local nahi local bhi hai haan. local hai sania saeed तुम्हारे पीछे भी क्या है, पीछे मुड़ो यार, नजरों में इज्जत बढ़ गई भाई की, इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, इज्जत, अब मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहता मुझे भी पसंद है आप ऐसे, ऐसी बात नहीं है, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है जी, सरवत को इसकी एक्टिंग पसंद नहीं है, मैं दे दूं इसका सवाल का जवाब, सरवत खुद ही दे दे इसका सवाल, आई थिंक जो भी थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा हो ना और जो अपने कैरेक्टर में नहीं हो और बहुत ट्राई कर रहा हो कि वो आ जाए कैरेक्टर में, आई थिंक वो मुझे लगता है कि ये होमवर्क पहले से होना चाहिए था, यू नो फेक नहीं लगना चाहिए, इट शुड हां इट शुड कम फ्रॉम विद इन, यू सी बिकॉज़ अगर हम पहले खुद कन्विंस नहीं होंगे तो ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे, तो कैमरा जो है वो बड़ी अच्छी नजर रखता है, वो पकड़ लेता है सच को, ठीक है, फहद के नखरे मुझसे बहुत ज्यादा हैं, That is true. हाँ फहद. हाँ. Is that true? पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो. लगेगा वैसे पकड़. That isn't true. फहद के नखरे हैं. फहद के कौन से नखरे यार? फहद मजदूर आदमी है. फहद कहता है मुझे अभी छोड़ दो. रात को आते हैं. मैं अभी आया हूँ. अभी डिनर पे जाना मतलब है, मुझे छोड़ दो मेरी जान छोड़ दो, ये नखरे कि मुझे अकेला छोड़ दो मुझे छोड़ दो ये नखरे ये तो नखरा नहीं है बेचारा, मुझे कह मेरी जान छोड़ दो यार मुझे और नखरा कोई और नखरा, मुझे ग्रीन टी चाहिए और मुझे ऐसी ग्रीन चाहिए, ऐसी वो भी एक टी बैग और पानी के साथ नखरा वो भी मेड लाके देती है, जब मैं काम करके घर पे आता हूँ बच्चों को कहानी सुनाओ, बच्चों के साथ निंजा फाइटिंग करो, ओ भाई मैं एक काम करके आया अभी दूसरा काम कर रहा हूँ मैं वैसे ये तो कोई ना, ये किस्मत नहीं, ये ग्रीन टी कोई नखरा नहीं है यार, और बताओ और नखरा, और नखरे उसके सेल्फ लव के बड़े नखरे हैं, ओए होए अच्छा कौन से सेल्फ लव के, ओ अच्छा थोड़ा सा तो होना, थोड़ा देखो सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है, अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से कैसे प्यार करोगे, और वो हीरो मतलब हीरो भी तो है ना, ये भी तो सोचो ना, हीरो भी है, डॉक्टर भी है, हीरो भी है, टेक्स वन टू नो वन, हां या वो रियल लाइफ हीरो भी है और ऑन स्क्रीन हीरो भी है, हीरो भी ये है ना, और अपने दिमाग में सबसे बड़ा हीरो वही है यार, ये अच्छे देखो हर कोई अपनी जिंदगी का हीरो है,
सरवत का सबसे जो एक्सट्रीम नखरा है फाद वो क्या है? डूड सरवत के नखरे नखरा नहीं है, नखरे हैं सरवत के, इतने इतने इतनी मैडम के इतने भाई, ये नवाबजादी है भाई, ये पूरा इनका एंटूराज इनके साथ होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर इफ यू गो टू किसी के, हम कहीं जा रहे होते हैं और गाड़ी गेट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, जितना भी रश हो मैं कहता हूँ जानू दो गाड़ी दूर है चल के, नहीं गाड़ी गेट पे ही उतारेगी। No, I'm telling you, the reason is our 6-inch heels. Oh, yes. तुम लोग पहन के दिखाओ और फिर चल के दिखाओ। मतलब 10 फुट में तो 6-inch heels का कोई मसला नहीं, दावत में तुम्हें 6 घंटे खड़े रहना है। So, 10 फुट चलना आर्म नॉट छोड़ के कितना कोई बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वो कपड़े और फिर और किसी होटल में, मुझे अच्छा लगता है कि गाड़ी तैयार हुई है, बाहर जब आप निकल जाते ना गर्मी भी। अच्छा, इसका एक बड़ा कूल नखरा ये भी है कि जब हम लोग निकलने वाले होते हैं, स्पेशली ये निकलने वाली होती है, 10 मिनट पहले ड्राइवर को इंटरकॉम जाते हैं, गाड़ी तैयार कर ले, जैसे दुल्हन तैयार होती है ना, गाड़ी तैयार कर ले, वो एसी ऑन, एयर फ्रेशनर ऑन, एवरीथिंग सॉर्टेड, सफाई सुथराई गाड़ी के अंदर। ये मैं कह सकता हूँ ये है नखरा, ये है हीरोइन है भाई, हीरोइन भाई, और नवाबजादी है भाई, इतना बनता है। ठीक है, दोनों में से सरवत जो है वो बहुत डोमिनेटिंग है, सच है सरवत बहुत डोमिनेटिंग है, बट मैं डोमिनेट होता नहीं हूँ, बट शी इज वेरी डोमिनेटिंग, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, बट आई डोंट गेट डोमिनेटेड। हां ही डजंट, आई डोंट गेट डोमिनेटेड, मैं बहुत चिल घूम रहा होता, अच्छा कर लेंगे ये जो भी इसको मैंने जगह दी है प्यार में दी है, इट्स ऑल लव, आओ जो करना है करो, बट आई जो मैंने करना होता है मैंने करना होता है, लोग मेरे हाथ में दे रहे होते हैं, तो मैं अगर इतना वो होता कि बेगम ने बोला या हो जाओ, तो यू कांट बी दैट। I don't think that's a healthy relationship also. Yeah. I think दोनों को एक दूसरे को space और elevate करना चाहिए। सिर्फ मुझे सिर्फ एक चीज ही होती है कि जिस चीज से इसको तकलीफ होगी ना वो फिर मैं नहीं करना चाहता। Okay. चाहे अगर मैं करना भी चाहूँ ना, जिससे इसको एक्चुअली तकलीफ होती है वो मैं फिर नहीं करता। Okay. Because I don't want to, because I love her. And what's the point of loving someone if you hurt him? If you hurt the other person. Yeah. Very true. So, I hope everyone understands this. कि अगर आप इसे प्यार भी करते हैं फिर हर्ट ना करें ना। हाँ वो कूल नहीं है ना। हाँ कैसे प्यार है। ठीक है, दोनों में से सबसे ज्यादा खाने पका के मुझे इसने खिलाए हैं। दोनों में से हमें से कोई खाना नहीं बनाता, हम शेफ रखते और हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने कुछ नहीं पकाया एक दूसरे के लिए? नहीं नहीं, एक दफा तुमने बनाया था, दो यार इसकी याददाश्त गुम हो गई है। पिज्जाज मैंने बनाए तुम्हारे लिए, फिर क्रोसॉन्ट मैंने बनाए, फिर पास्ता बनाया, फिर चॉप्स बनाए थे एक दफा, हम नीचे बैठ के खाए थे, फिर बीफ तेरियाकी बनाया था तुम्हारे मतलब लिए। मतलब इतना कैसे याद है कि कितना बनाया? याद है, पांच ही बनाए, एक डिश तो ना ना हो गई, सात आठ डिश तो हुई ना, सात साल में सात आठ डिशेस बना दी। तुमने क्या खिलाया? हाँ ये बताओ क्या खिलाया और क्यों नहीं खिलाया? सीरियल, सीरियल डाल के देता है रात को, सीरियल बहुत भूख लग रही, कुछ ऑर्डर कर ले, सीरियल है बेबी, सीरियल का हेल्दी हेल्दी। सही है यार, ओके जनाब, वेरी नाइस, ये कम कम झटके लगे दोनों को, थैंक यू, बट आई फील के जब दोनों मियाँ बीवी तो होते हैं, लेकिन उनका दोस्त होना पहले बहुत जरूरी है, एंड इफ दे फ्रेंड्स दैट्स हाउ यू बी वेरी हैप्पी एंड यू आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, राइट? इज दैट राइट? एब्सोल्युटली, कंपेनियनशिप जो है वो सबसे पहले आती है। So like you're hanging out. Yeah. Just when you hang out with a friend and you have fun, it's just like that. Yeah. I look forward to hanging out with her. Baith rahe, chill kar rahe, baatein kar rahe, TV dekh rahe, discuss kar rahe. Wonderful. It's good. Wonderful. Janab, agle game ki taraf badhenge aur yahan pe ek chota sa break lenge. Hamare saath rahiye. Dekhte rahiye Time Out with Ehsan Khan. ज
And now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और ये मेरा favourite segment है. क्यों सरवत क्यों favourite है बताओ. इसमें क्या होता है? क्योंकि आप जो नहीं पहना सकते दूसरों को वो अब पहन सकते हैं वो लोग. जो आप खुद नहीं पहन सकते वो भी दूसरों को बनाते हैं. दूसरों को बनाते हैं. उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब सवाल आते हैं यहाँ पे तो बहुत सी नॉलेज में इजाफा हो जाता है. Right. यानी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें मैं भी सीख रहा होता हूँ, हमारे गेस्ट भी सीखते हैं और लोग भी. यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नेवर हर्ड ऑफ. ये तो एजुटेनमेंट हो गया. यस एजुटेनमेंट. यस ऐसे ही है, ऐसे ही. पहला सवाल शुरू करें. बिल्कुल करें. रेडी आइए जी. अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. बैट, बी हमिंग बर्ड या क्रिम्सन सनबर्ड. Can I answer that? Yeah. A bee hummingbird. Okay. Are you sure? I think so. Okay, so you haven't answered that, right? You want to? Yes. Maybe you're right. Of course. A. Tab. Okay. Tab. Keeper. Tab. Tab. A. Tab. A. Tab. A is a bat. Of course. हाँ तो you're saying oh fly backward. Not spell backward. Okay, sorry. Okay, and this is not a riddle. It's not a riddle. Achha. It's like a proper question with it. Okay, so we'll do one more. हाँ ये warm up था ना? नहीं लेकिन नहीं था warm up. उससे तो एक जवाब दिया हुआ है. तो सरवत ने जो भी जवाब दिया देख लेते हैं अगर A है या it's a bee hummingbird or whatever it is. दिखाइए जी. There you go, baby. There you go. He was right, Sarvat. All yeah. right. I mean, if I had understood the question, I would be right too. So when this bird, like normally birds fly forward, so this bird, hummingbird, ये अपने back पे भी चले जाते हैं. और hummingbird को अगर आपने देखा होगा, बहुत वो nectar जो है, वो ऐसे. तो number choose करें. Number 8, my lucky number. Hi, seriously, no warm up time. No warm up. All right. कुछ अच्छा सा देना. Hi Allah. यार वो पिलाओ ना दूल्हे का सेहरा बना दो. निकला जो निकला ही यही है. I hate you guys. अच्छा आप भी बनाएंगे. मतलब इस शक्ल से. क्या लग रही हो बेबी? She looks cool. और क्या होता है? हाँ बस पहन के रखना थोड़ी देर. नजर तो आ रहा है ना सही? सब नजर आ रहे. Okay, cool, cute. Next question. Which city, name of Pakistan means the forest in the sky? Shogra, Hunza ya Gilgit? You wanna start first, Sarvat? Yes, Shogra. Shogra means the forest in the sky. Yes. ये मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च की थी तो मुझे पता चला था. आई नो द आंसर बट आई वांट टू वेयर समथिंग आई विल से गिलगित. आई फील लाइक वेयरिंग समथिंग. नो बट यू इवन इफ यू नो द आई मीन यू आर सेइंग कि आप मुझे फेवर दे रहे हैं. गलत क्वेश्चन. नो आई वांट टू वेयर आई वांट टू लुक एज़ कूल एज़ यू. नो बट इवन इफ यू नो द इफ यू थिंक दिस इज नॉट द राइट आंसर व्हाटएवर द राइट आंसर इज यू से से इट यू यू हैव लॉस्ट इन एनी केस बिकॉज़ पहले सरवत ने जवाब दिया. अच्छा ओके ए शोग्रान. अच्छा दिखाइए सही जवाब. शोग्रा. Bring it on, baby. But you were late. Bring it on. So you have to choose. So you choose a number. Yes, I will choose number one. सेहरा. Yay! आप ये देखिए उसके कहते manifestation. मैंने कहा सेहरा और सेहरा. कहा दूल्हे का सेहरा. बाल बचा के लेके बाल बचा के बस अपने ये ना अपने ये बस खराब ना हो जाए. नहीं होंगे फिक्र रह गए. ये तो हमारी असली शादी पे भी नहीं हुआ जो आपने कर दिया. मैं देखो देखो
देखो ख्वाहिश में कितनी ताकत होती है। मैंने बोला सेहरा इसके लिए, मैं यही कहने लगा था कि उसने पहली चीज जब निकली उसने कहा इसको सेहरा पहनाओ, वो उसी का निकल आया सेहरा। बस ये कहते हैं जैसी करनी वैसी, क्योंकि मेरी शादी में इतना किसी ने लाज नहीं उठाया है, सन तूने उठा लिया। ओके मुंह दिखाई भी दे हम, मुंह दिखाई भी दे, वो मुंह दिखाई शो के बाद मिलती है हमारे, वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरद यू शुड बी नोइंग दिस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th फेब, 1st जून या 20th नवंबर? आई थिंक इट्स 20th नवंबर बिकॉज अभी गुजरा है कुछ महीनों पहले। 1st जून। ओके फहद सेज 1st जून, सरद सेज 20th नवंबर। सही जवाब है 20th नवंबर। आई नो अभी कैसे गुजरा है, थोड़े अरसे पहले 20th नवंबर को जानू, 6-8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, जब तो मैंने जून सर जनवरी में चल रहे हैं ना अभी। मैं अगले साल के जनवरी में चल रही हूँ, मैं एडवांस्ड हुआ, देख रहे हैं मेरी आंखें। सो इनी मिनी माइना मो कैच अ टाइगर बाय हिज टोस इफ ही स्क्रीम्स लेट हिम गो, इनी मिनी माइना नंबर 7। नंबर 7 सही बोला, तुम्हें सर क्यों हिला रहे हो, मैं नजर नहीं आ रहा मेरे दोस्त, क्या होने वाले मेरे साथ मेरे दोस्त? सरबत पहनाएगी। जानू ब्रिलियंट, जानू जर्मन लगने लगे हो, वॉच आउट वहां पे वो है, वो देखना। ओके बाल बचा जर्मन लग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके पोलो गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, ईरान या यूएसए? गिलगित बल्तिस्तान या बल्तिस्तान? ईरान, ईरान, ईरान। ओ पोलो, पोलो इज अ वेरी इंग्लिश गेम, आई डोंट नो। समर सेड ईरान, फहद सेड गिलगित बल्तिस्तान, सही जवाब है ईरान। फॉर वन I don't even think I physically have space for more things. चकर आंखें थोड़ी सी बाहर निकाल सकते हैं, बात नहीं है। बेचारा ये ऊपर कर लो। हाँ ये फंस गया बेचारा। हाँ चल चूज कर लो कुछ भी निकला यार, देखते हैं क्या। नंबर 5। क्या है? आज सब कुछ यहाँ के लिए क्यों निकल रहा है फाद का? नजर ना लग जाए ना मेरा चेहरा छुपाओ, नजर ना लग जाए। ओ माय गॉड, भाई सब बालों पे कर दोगे क्या? बाल में और जगह नहीं है, ये कहीं और गर्दन में लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस गेम में। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अगला सवाल, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस? इंग्लैंड, इंग्लैंड। Someone said France, he said England. So let's see what's the right answer is. England, of course. Solid, baby, solid. Sarwat. Fahd is very good in history. Aye, aye, choose kijiye. Number 9. Number 9. Oh, hey, gentlemen, मैंने देख लिया क्या है? आज तो शादी हो गई नहीं आला. भाई. चलो पहना दो. Excited हो गया मैं. बहुत ज़्यादा. और अब निकाह पढ़ाने के लिए एसन के लिए एक पगड़ी भी चाहिए। मुझसे प्यार से बात करें। वैसे सरवत आज तो लग रहा है सरवत को अपनी शादी याद आ गई होगी। मैं शादी पे ऐसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्या मतलब है? नहीं मतलब लाल दुपट्टा शादी का सर पे दुपट्टा और सामने सेहरे वाला, सेहरे वाले आ। This is too funny. बहुत कूल बन रहे थे ना हम लोग, देखा ये बड़े अंग्रेज बन रहे थे ना, नामा कूल।
अब बने हैं नामाकुल। ओके जी, अगला सवाल। हाँ जी, पता है सेकंड मोस्ट could be densely populated, most populous country in the world is Russia. Russia, India या Nigeria? Second, India. Nigeria. India. India. सही first जवाब. is China, second अच्छा, is India. First is China, second is India. Second is India though actually. मैंने India बोला, तुम तो सही जवाब है. There India. you go. A billion people, baby. A billion people. अब तो भी हार निकलना चाहिए सरदार के गले का हार रह गया है. Choose, baby, choose. Number 10. मुझे लग रहा है इसमें पता है क्या है? ना बताओ मुझे क्या है. क्योंकि इसमें कुछ नहीं. बीवी के लिए जरूरी है. ये. हो दोनों है. Wow. You went the other way around. Defense के लिए. या कोई जरा self defense और कोई जरा तंग करे तो फिर हाँ ये सब लड़कियों के पास होने चाहिए. मतलब ऐसी ऐसी शादी की रात नहीं होनी चाहिए. हाँ, फुल दूल्हा को और हल्के ग्लव्स. फहद ने मुझे कोई क्रीम रेकमेंड की और देखे जज साहब मेरे हाथों के साथ क्या हुआ. एक्सपायर्ड क्रीम दी है. नहीं, ये फेमिनिज्म की हद है कि शादी की रात को भी हल्के ग्लव्स मर्दों के खिलाफ. देख लें फिर, इससे ज्यादा फेमिनिज्म कहीं नहीं होगा. अगला सवाल. Maximum spoken language in the world is Arabic, English, and Mandarin. Well, actually Mandarin because China is the English. most densely populated. English. Okay, she said China. I'm glad. Mandarin. बहुत से लोगों को शायद नहीं मतलब Mandarin का नहीं मालूम होता कि China का dialect. But anyhow, she said China, Chinese, and she you said English. English भी बहुत ज्यादा बोली जाती है. English बोली जाती है, but Chinese तो पूरे दुनिया पे छा गए हैं. लेकिन English जो है वो ना चाइना में बोली जाती है, ना जापान में बोली जाती है, ना फ्रांस में बोली जाती है, आधे यूरोप में नहीं बोली जाती, आधे अमेरिका में नहीं बोली जाती, फिर हमारे जगहों में बहुत बोली जाती है. हमारे लेकिन English बोली जाती है. हाँ, English ही बोली जाती है. Mandarin. दिखाई जी. मुझे अब यही चाहिए. लेट्स सी मुझे कितना मिलता है. आई वांट टू गो फॉर नंबर 6. No. Joker knows. No. Goes really well with your headgear. I was so looking forward to the wig. Oh, but ye kya? Okay, sahi hai. मैंने उल्टी तो नहीं लगा दी. उल्टी लगाई है. All right. एक तो जोकर की नाक है और फिर उल्टी है. और पता ही नहीं चल रहा कौन है अभी. बिल्कुल ही पता लग रहा. हाँ. Okay, the next dove is a symbol of love, peace. मैंने पहले बोला था. मैंने भी यही बोला. मैं तो आने से पहले ही बोल दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये टाई हो गया. सही जवाब है. पहले किसे बोला था दोनों? मैंने आने से पहले बोल दिया था. मैंने भी उसको बस आता ही बोल दिया. ठीक है, दोनों का सही मानते हैं. एक दो तीन. लास्ट क्वेश्चन. ओह नो, मुझे विक चाहिए. डार्लिंग रिवर इज सिचुएटेड इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? ऑस्ट्रेलिया. माइट यू सेड ऑस्ट्रेलिया सर्वत. बस बोल ही दिया उसने तो फिर भाई तो दो और भी है ना. Sure? मुझे कौन सा पता है डार्लिंग रिवर कहाँ पे मशहूर है काफी वैसे. डार्लिंग रिवर आई थिंक कनाडा में हो सकता है बिकॉज़ कैनेडियंस आर फुल ऑफ लव. आई एम प्रीटी श्योर इट्स ऑस्ट्रेलिया. आई डोंट नो दो. सही जवाब है. सी आई नो ऑस्ट्रेलिया. चलो बेबी आ जाओ. चलो बेबी पिक करो. चलो शाबाश. क्या है ये? वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स. देखो मेरे बाल ना अच्छे से लगा. थैंक यू. ऑलराइट.
जनाब जनाब बहुत ही मजे का सेगमेंट और बेस्ट बात होती है जब फुल ऑन गेम होती है जब खेल रहे होते हैं एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा मजा आता है कॉन्शियस नहीं होना ऑफ कोर्स यू लुकिंग यू गाइस आर लुकिंग सो अमेजिंग सेल्फी सेल्फी चाहिए सेल्फी दोनों की कहां है तस्वीरें लो यार दोनों की तस्वीरें लो हम एक छोटे से ब्रेक की जाने पड़ेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान शादियों पे कोई इनविटेशन देता तो एक्साइटमेंट होती है कि यार इस पे जाके कपल डांस करेंगे जबरदस्त हाँ कोई अगर फैमिली की हो तो अपने लोगों की अपने लोगों की ऑब्वियसली ठीक है बचपन में तो बहुत होती थी हाँ उफ मेहंदी को बहुत शौक था जाने का मेहंदियों पे डांस प्रैक्टिस और डांस करते थे बड़ा मजा आता था जबरदस्त है अच्छा अभी टाइम इतनी जल्दी गुजर गया हमारे सारे जाने वालों की शादी हो गई और अब कोविड की वजह से जरा भारत तुम दोनों की शादी में हमने बहुत फुल फ्लेज डांस किया था तुम्हारा तो अभी भी डांस पे सरवत ने अभी कुछ ऐसे पहले किया था थोड़े दिनों पहले या थोड़े दिनों पहले या या शी सेंट मी शी टैग्ड मी अ वीडियो शी सेंट मी अ वीडियो एंड या बच्चे भी देख रहे थे कि खुद भी देख रहे वो डांस लगा हुआ है मेरा बट एनीवेज गाइस इट्स बीन वंडरफुल हैविंग यू ओवर ऑन द शो एंड आई जस्ट फील के जो इतने टैलेंटेड लोग होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में क्योंकि चंद लोग हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में वैसे तो बहुत टैलेंट है बट वेरी फ्यू कम आउट देयर देयर यू कैन सी देम इन योर वन ऑफ दोस शाइनिंग स्टार्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल द ऑलवेज ऑलवेज अच्छा जाते जाते अपने फैंस को फहद जो लोग फॉलो कर रहे हैं डॉक्टरी के अलावा जो सर्जरी फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा जनरली सोसाइटी में व्हाट डू यू फील दैट इज रियली गुड दीज डेज maybe you can talk about that generally I feel what is very good these days jo instagram mein bhi hai bahut sun rahe is the fact ki aap jo hote hain apne aap pe itna hard na hoye har koi is bare mein baat kare ki apne aap se pyar kare aur apne aap ke sath soft rahe aur apne aap ko itna criticize na kare aur positive rahe and believe in the best and har cheez aapki theek matlab overthink na kare apne liye bhi aur har cheez overthink na kare because hum jab grow up kar rahe the to hame hota tha ki har cheez tumhari galti hai ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा अब आजकल बड़ा अच्छा हो गया कि आप जो कर सकते हो आप वो करो बाकी जो अल्लाह के काम है वो करेगा बिल्कुल सही And बिल्कुल do your सही best, you बिल्कुल सही ओके सर व्हाट डू यू फील फॉर योर फैंस और फॉलोअर्स और पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ जो देख रहे हैं उनको क्या चीज फाद ने तो एक बात बता दी जो अच्छी है कोई ऐसी लैकिंग चीज लोगों में लगती है कि हमारी सोसाइटी में अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यू नो एहसन आई फील दैट हम एक दूसरे को बहुत खींचने में लगे हुए हैं एवरीबडी इज आउट देयर टू पुल एवरीबडी डाउन और सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ तब बनती हैं जब आप साथ इकट्ठे एलिवेट होते हैं वरना इंडिविजुअल एलिवेट होता है सोसाइटी और कम्युनिटी नहीं होती सो फॉर इन ऑर्डर टू फॉर अ सोसाइटी टू एलिवेट पाकिस्तान अ कंट्री टू एलिवेट वी ऑल हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर कंधे से कंधे का सहारा बने उन लोगों का सहारा बने उन लोगों की आवाज़ बने जिनके लिए कोई नहीं बोलता जिनके लिए वो खुद शायद नहीं बोल पाते सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ यू डोंट नो देम बी अ वॉइस फॉर देम जबरदस्त वेरी एक और चीज बोलने का टाइम है हाँ बिल्कुल यू नो अब सरत ने बड़ी अच्छी बात बोली टांगे खींचने का जो कॉन्सेप्ट है अब मुझे बड़ा एक समझ आने लगी इस बारे में कि जो कॉम्पिटिशन है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता
कंपटीशन सिर्फ हमारे जहन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर किसी की किस्मत में लिखा हुआ है जो उसको मिलना है। तो अगर आप किसी को जो चीज़ मिली है, जो उसको अल्लाह ने दिया है, अगर आप उसको ग्रज करेंगे तो आप उसको ग्रज नहीं करें, आप अल्लाह को ग्रज करें, क्योंकि उसको तो अल्लाह ने दिया है। और आपको जो मिलनी है चीज़, वो तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन जब आप दूसरे की चीज़ को देखते हैं ना, तो आपकी अंदर की एनर्जी कम होती है और आप खुद जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने काम पे फोकस करें और किसी और को भूल जाएं, अपनी रेस में दौड़ें खुद, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ। बिल्कुल सही। आई विश सब लोग ऐसा सोचें, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, वंडरफुल। आइए सरवत, आइए फहद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और फहद, ही इज अ वंडरफुल गाय, बिकॉज मैंने इसके साथ एक महीना गुजारा हुआ सरवत यूके में, और ये इंतहाई अच्छा इंसान है, मैं बताऊं। बहुत अच्छा है। तो इसलिए जब कोई अच्छा होता है ना, तो उससे अच्छी बातें ही सुनने को मिलती हैं, और फिर पॉजिटिविटी फिर उसके लिए क्रिएट भी हो जाती है अच्छी। That's true. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरा बेगम को गवाही भी देनी चाहिए यार, कि एक इंसान से महीना गुजारा कितना। हमें तो पता ही नहीं कितना अच्छा, आपने कुछ भी नहीं किया। ये नहीं बता रहा मैं, ये नहीं बता रहा। ये मुझे ना बताना, ना ही बताओ, तो बेहतर है। अच्छा जरा, थैंक यू वंस अगेन, गुड लक सरवत, जो भी काम कर रही है फ्यूचर में उसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, गुड लक है, स्टे पॉजिटिव एज यू आर, कीप वर्किंग फॉर दीज कॉजेज, वी लव दैट। फहद, गुड लक फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह और बहुत जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। जनाब, आप मुझे इस एपिसोड का फीडबैक देंगे, मुझे बताएंगे कि आपके कहने पर हम अपने प्यारे प्यारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक और जबरदस्त प्यारे से सेलिब्रिटी कपल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, गुड बाय।